नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टब में। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टन के पद से खुद को दूर कर लिया है। कोहली ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोहली ने लिखा कि 7 साल तक भारत की टेस्ट टीम की कैप्टनसी करना उनके लिए शानदार सफर रहा। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली ने T20 टीम की कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले BCCI ने कोहली को वनडे टीम की कैप्टनसी से के पद से भी हटा दिया था। आपको बता दें कि 2014 में विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी मिली थी। धोनी के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया था। कोहली ने अपनी ट्वीट में लिखा, टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए हर रोज 7 साल की कड़ी मेहनत और परिश्रम मैंने पूरे ईमानदारी के साथ काम किया है और वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है किसी स्तर पर, और मेरे लिए रुकना नहीं है। भारत के टेस्ट कैप्टन के रूप में अब समय आ गया है। मैं BCCI को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतने लंबे समय तक अपने देश के नेतृत्व कराने का मौका दिया। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि टीम के वे सभी साथी जिन्होंने पहले दिन से समर्थन किया और किसी भी स्थिति में कभी हार नहीं मानी। विराट के ट्वीट पर BCCI ने ट्वीट कर भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। BCCI ने लिखा, टीम इंडिया कप्तान कोहली को उनके प्रत्येक नेतृत्व क्षमता के लिए बधाई देते हैं जिसने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की जिसमें से भारत ने 40 टेस्ट मैच जीते। वहीं सोशल मीडिया पर कोहली के इस फैसले के बारे में जानकर फैंस भी हैरान हो गए। आपको बता दें कि टेस्ट में कोहली की कैप्टेंसी काफ़ी अच्छी थी। कोहली को टेस्ट में काफ़ी और तौर पर उनके स्टाइल के लिए भी जाना जाता था। Thank you.